बिहार के पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के गायनेकोलॉजी विभाग के सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान के ऊपर हुए हमले के विरोध में प्रदेश भर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सक एक दिवस से हड़ताल पर बने रहे। हड़ताल के कारण सभी सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, निजी क्लिनिक में भी ताला लटका रहा। पूर्णिया में सर्जन डॉक्टर राजेश पासवान के ऊपर हुए हमले के विरोध में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में इमरजेंसी कार्य छोड़कर शेष सभी कार्य ठप रहे। छपरा सदर अस्पताल की ओपीडी में भी हड़ताल देखने को मिली। सभी चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा बंद करते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया। सदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बिना इलाज कराए वापस लौटना पड़ा। हड़ताल के कारण सदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानी हुई, बिना उपचार के वापस लौटना पड़ा। सदर अस्पताल के सभी चिकित्सक एकजुटता दिखाते हुए चिकित्सकों पर हमले की भर्त्सना की। आईएमए के पूर्व राज्य अध्यक्ष डॉक्टर शालिग्राम ने बताया कि आए दिन चिकित्सकों पर हो रहे हमले बहुत ही निंदनीय है। बताया कि डॉक्टर राजेश पासवान सर्जन के क्लिनिक पर एक महिला को भर्ती किया गया। प्रसव में जच्चा बच्चा स्वस्थ थे, करीब 5 घंटे के बाद बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वाले पहले हाथ पैर जोड़ते रहे। उन लोगों ने चिकित्सक को पिटाई कर दी, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है। चिकित्सक मरीज बचाने के लिए दिन रात एक करते हैं, बावजूद जीना मरना भगवान के हाथ में है। उनके साथ ऐसी घटना उन लोगों को काम करने पर सोचने पर विवश कर रही है। जी बताया जाए सर, आज ये डॉक्टरों के लोग द्वारा हड़ताल किया गया ओपीडी में, ये क्या कारण है? ये हड़ताल हम लोग को कार्य बहिष्कार जो आज हुआ है पूरे बिहार स्तर पर हुआ है। बिहार के सभी सरकारी अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक जितने ओपीडी है सभी बंद कर दिए गए हैं, और इसका मुख्य कारण जो है पूर्णिया के डॉक्टर राजेश पासवान पर जानलेवा हमला है। उनके नर्सिंग होम में एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी, उसका कंडीशन बहुत ख़राब था, वो ऑपरेशन से रिफ्यूज कर रहे थे, फिर भी ज़बरदस्ती लोगों राह जोड़ के उनसे ऑपरेशन करा लिया। बच्चा सकुशल निकल गया, औरत भी उठी से सकुशल आ गई। 7-8 घंटे के बाद अचानक जो है अज्ञात कारण से उस स्त्री की मौत हो गई। उसके बाद जो है उसके परिजन और लोग काफ़ी 100 आदमी आ करके, अब पहले तो इनको बार्गेन करने लगे कि हमको 10 लाख रुपया दो मुआवजा, उससे इनकार किया कि भाई हम मुआवजा क्यों दें, हम कहाँ से लाएंगे मुआवजा, भाई आप लोग कहने से ऑपरेशन कर दिए। तो उसके बाद उनको लोग मारना लगा, और इतना मारा कि उनको कन्वल्सन होने लगा, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है उसको कन्वल्सन कहते हैं, तो वो कन्वल्सन होने लगा। तो उसके बाद वो लोग धीरे धीरे वहाँ से भाग गया। फिर आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग की मांग है कि कई मांगे हैं हमारी है। जिसमें सबसे प्रमुख मात्र तात्कालिक मांगे है कि इन पर जो हमलावर हैं उन पर नेम FIR है, उसको गिरफ्तार किया जाए, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। दूसरा है कि आए दिन जो होती है उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि जो एपिडेमिक एक्ट के समय जो कानून बना था वैसा ही एक कानून जो है बिहार का जो बना हुआ है उस कानून में इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि वो कानून सख्त हो जाए और उस पर बिहार के जो प्रशासन है, पुलिस है, वो उस पर अमल करे। ये हम लोग का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट मांग है, और इसके लिए हम लोग कल जो है पटना में एक बैठक करेंगे और निर्णय करेंगे कि सरकार जो है, बहुत दिन से हम लोग ये इस मांग को कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन अब इस बार हम लोग कमर कस लिए हैं कि इस आंदोलन को आज ही ख़त्म नहीं होगा। ये कल बैठक शाम में है पटना आई एम ए भवन में, और आगे कैथी का फैसला होगा कि सरकार जो है हम लोग के दोनों डिमांड, तत्कालिक जो है राजेश पासवान वाला मैटर और वो सरकार डॉक्टरों के सुरक्षा से संबंधित विधेयक है जो कानून है उसमें वो एपिडेमिक एक्ट वाला प्रोविजन, जबकि कोरोना काल में एपिडेमिक एक्ट लागू हुआ था वो बहुत सख्त कानून था, अगर कोई डॉक्टरों पर हमला करता है, उसे कुछ बोलता है तो उस पर तुरंत अरेस्टेशन और मतलब नॉन अवेलेबल सेक्शन था। तो एपिडेमिक कोरोना वाला ख़त्म हुआ तो उसको भी केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। तो हम लोग का कहना है कि उसी एक्ट के प्रोविजंस को हम लोग का जो हेल्थ प्रोफेशनल प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो अभी तक तो सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ सब लोग सचिव सब चीज़ बोलता है हाँ कर रहे हैं। फिर कब तक छपरा ओपीडी बन रहा है?
छपरा भी तो आज ही पर बंद है, केवल ओपीडी ही बाधित है कि और नहीं, इमरजेंसी पोस्टमार्टम एसएनसी ये सब चल रहा है, उसको नहीं रोका गया है, सिर्फ ओपीडी बंद रहेगा।